everyone, welcome to IK classes. In this video we are doing some important terms of chapter 7, that is aggregate demand and related concepts. These can be asked in board exams, so do it very well. We will finish this chapter today, and this is the last video of this chapter, and if you have any type of doubt you can ask me in comment section. So let's start. First important term, that is investment function. What is investment? What is investment? It refers to expenditure. It refers to the expenditure which incurred on creation of new capital assets like building, machinery, equipment, raw material, etc., which led to increase in productive capacity of the economy. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? वो उस टाइप का एक्सपेंडिचर जिससे न्यू कैपिटल एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं. न्यू कैपिटल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स, जो कि इकॉनमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और इकॉनमी की क्या करते हैं, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं. तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये टू टाइप्स की होती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. वट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल. तो ये उस टाइप की इन्वेस्टमेंट है जो कि स्पेशली प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करती है, कि अगर प्रॉफिट इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी. और ये जो है इनकम लेवल के ऊपर भी डिपेंड करती है, और इनकम और इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होता है. इफ़ इनकम इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी मोर, एंड इफ इनकम इज़ लेस इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी लेस. मीन टू से देर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट. सो इट इज़ इनकम इलास्टिक. ये टोटली डिपेंड करती है इनकम लेवल के ऊपर. तो जैसे इसका ग्राफ देखें हम, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है. यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस पे लिया है इनकम इन करोड़ रुपीस एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इन करोड़ रुपीस. तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगी वो क्या बनेगी? पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड बनेगी. मीन टू से जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ेगी. तो ये जो इसकी कर्व है इस टाइप की बनेगी. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की जो कर्व है ये क्या बनेगी? पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी. कैसे? जैसे सपोज करो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम बी ले लेते हैं. इस ए पॉइंट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम है वो क्या है? ओ वाई है. और जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो क्या है? ओ आई. इतनी इनकम थी तो हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करी इस ए पॉइंट के ऊपर. फिर इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सपोज करो बी पॉइंट है यहाँ पे, तो इनकम हमारी बढ़ गई है ओ वाई से ओ वाई वन. इनकम इंक्रीज हुई ओ वाई से ओ वाई वन थे, तो उसी हिसाब से इस पॉइंट का जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो भी क्या हो जाएगा? ओ आई वन. मीन टू से इनकम इंक्रीज करने से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है. तो इट मीन टू से जो ए से बी तक ज्वाइनिंग होगी पॉइंट्स की, तो वो इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व बनाएंगे. ये क्या होगी? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी. दिस शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट. ये जो इन्वेस्टमेंट है जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं इसको, क्योंकि ये स्पेशली प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है. प्रॉफिट जो है इंडिविजुअल्स को इंड्यूस करता है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसीलिए इसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. सेकेंड जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, लाइक ऑटोनॉमस कंजप्शन. जब इनकम लेवल जीरो होता है तो कंजप्शन कुछ ना कुछ जरूर होती है, मतलब कंजप्शन तो होनी ही होती है. इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है. ये जो है जनरली गवर्नमेंट करती है, जो कि नेसेसरी है, जो कि इकॉनमी के लिए नेसेसरी है. इस टाइप की इन्वेस्टमेंट ये इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, और इसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है. सो ये जो इन्वेस्टमेंट है क्या है? इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम. सो लेवल ऑफ इनकम एंड इज नॉट सोलली बाय प्रॉफिट मोटिव. सो ये जो है इनकम इनइलास्टिक है. इनइलास्टिक होने का मतलब है कि इनकम चाहे बिल्कुल कम हो या बिल्कुल जीरो हो या इनकम बहुत ज्यादा भी हो,
तब भी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी जितनी की नेसेसरी है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर्व होगी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीन टू से अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, अगर ओ वाई लेवल ऑफ इनकम है तब इन्वेस्टमेंट ए है, मतलब मीन टू से इतनी इन्वेस्टमेंट है, इसको हम ओ वाई इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट इतनी है ओ वाई। इसी तरह से अगर इनकम बढ़ जाए, इनकम ओ वाई से ओ वाई वन हो जाए, मीन टू से 100 से 200 हो जाए या 300 हो जाए या 400 हो जाए, तब भी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगी। सपोज करो ये 40 करोड़ हैं 100 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, तब भी इन्वेस्टमेंट 40, 100 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी 40 है, 200 लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी 40 है, 300 लेवल ऑफ इनकम के भी ऊपर 40 है। मीन टू से इट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ इनकम। सो दैट्स व्हाई इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इट इज ओनली डन बाय गवर्नमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये मेनली जो डिपेंड करती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो फर्म्स हैं वो जनरली लोन्स लेती हैं या बोरो करते हैं मनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो देर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। तो नाउ वी आर डूइंग सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, दीज आर एक्स एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज्ड सेविंग एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज एक्स एंटे सेविंग, व्हाट इज एक्स एंटे सेविंग्स? एक्स एंटे मीन टू से प्लैंड, एक्स एंटे सेविंग मीन टू से प्लैंड सेविंग्स। सो ये क्या है, इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग्स विच हाउस होल्ड्स प्लान्स टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक्सेंटे सेविंग इज गिवन बाय सेविंग फंक्शन और वी कैन से दैट प्रोपेंसिटी टू सेव। सो एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर हाउस होल्ड सेक्टर जो है डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स जो है वो प्लान करता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेंटे सेविंग्स। सो जैसे सपोज करो 100 करोड़ लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सेव करने को 30 करोड़ जो है वो सेव करने की प्लानिंग करता है, तो ये क्या होगी, एक्सेंटे सेविंग्स। इसी तरह से होती है एक्सपोज सेविंग्स, एक्सपोज्ड मीन टू से एक्चुअल, एक्सपोज मीन्स टू से एक्चुअल, एक्चुअल मीन टू से रियल, रियल सेविंग्स कितनी हुई है। सो एक्सपोज सेविंग क्या है, इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग्स इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर। सो इट इज अ सम टोटल ऑफ प्लान्ड सेविंग्स एंड अनप्लान्ड सेविंग्स। मीन टू से ये प्लान्ड सेविंग्स और अनप्लान्ड सेविंग्स दोनों का क्या होता है, प्लस होता है। जैसे यहाँ पे जो एक्सेंटे था, प्लान्ड सेविंग्स हमने सपोज किए 100 करोड़ लेवल्स के ऊपर 30 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में कितनी हुई है, 40 करोड़। मीन टू से ये प्लान्ड और अनप्लान्ड सेविंग्स का क्या है, प्लस है। सो इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट। एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट जो है एक्सेंटे सेविंग्स की तरह ही है। एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट में क्या है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सेंटे मीन टू से प्लान्ड एंड प्लान्ड यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। सो ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है, मेनली फर्म सेक्टर करता है। सो इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। सो ये जो प्लान्ड कौन करता है, फर्म सेक्टर प्लान करता है, तो ये एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्चुअल मीन टू से एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मीन टू से एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। सो इट इज द सम टोटल ऑफ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सो ये तो थे एक्सपोज्ड सेविंग, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेंटे सेविंग्स एंड एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट। तो इनको जो है ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए पूछे जा सकते हैं, सो डू इट वेरी वेल। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट वर्क। मीन टू से वो सारे लोग जो काम करने के एबल भी हैं और काम करना चाहते भी हैं और उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट जो है वो पसंद भी आ रहा है और उस एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर वो उन सबको काम मिल भी रहा है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज
फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, मीन टू से देर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, देर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी एंड everyone gets work, everyone gets work, mean to say demand for labor is equal to supply of labor. So this is a full employment situation when demand for labor is equal to supply of labor. So once again I am repeating, full employment situation is that situation in which all those people who are willing and able to work at existing wage rate get to work. But however, in macroeconomics there is some temporary unemployment is also. Temporary unemployment mean to say there are two types of unemployment in this situation, in a full employment situation. First one is frictional unemployment and second one is structural unemployment. What is frictional unemployment? Frictional unemployment kya hai? It refers to temporary unemployment which exists during the period wherein worker leave one job and join some other. Mean to say one person jo kisi company mein kaam kar raha hai, वो उसको जॉब या तो पसंद नहीं आ रही या किसी और रीजन की वजह से वो जो जॉब है वो छोड़ रहा है, तो जो जॉब उसके छोड़ने का पीरियड है और दूसरी जॉब मिलने तक, यानी वो 2 मंथ्स 3 मंथ्स या 6 मंथ्स जितना भी टाइम पीरियड है, वो उतने टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहता है. इट मीन टू से दिस सिचुएशन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. This situation is frictional unemployment. It arises due to labor market imperfections such as lack of market information about availability of jobs and lack of perfect mobilities on the part of workers and introduction of new machines and breakdown of plant may also be the reason of this frictional unemployment. So next we are doing about structural unemployment. What is structural unemployment? It is a situation in which people remain unemployed due to mismatch between the unemployed persons and the demand for specific type of workers. Mean to say, jis type ke workers company mein chahiye, us type ke workers nahi mil rahe hain. To wo jo nahi mil rahe hain workers hain, matlab jo unemployed rehte hain, us wajah se mismatch hone ki wajah se wo structural unemployment hoti hai. For example, due to computerization, workers who don't possess enough knowledge of computers will be unemployed until they do some computer course or computer training. So for that period, jitni der unko training nahi milti hai, then it is called as structural unemployed and structural unemployment. Now we are doing about involuntary unemployment. What is involuntary unemployment? What is this? Involuntary unemployment is a type of situation in which all people who are willing and able to work at existing wage rate but don't get work. This is the opposite of full employment situation. इसमें क्या होता है कि वो सारे लोग जो काम करना चाहते भी हैं, जिस भी मर्जी टाइप का वेज रेट है और काम करने के एबल भी हैं, लेकिन उनको किसी भी टाइप का काम नहीं मिल रहा है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है कि पीपल रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विशेज. सो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड while estimating the total unemployment in the economy. तो जब भी हम total unemployment की बात करते हैं तो हम mostly involuntary unemployment की ही बात करते हैं. इसके बाद बारी आती है voluntary unemployment. Voluntary unemployment ये क्या होती है? Voluntary unemployment होती है कि जिसमें लोग अपनी इच्छा से unemployed रहते हैं. मतलब क्या है कि वो लोग जो काम करने के एबल भी हैं, काम करना चाहते भी हैं, बट उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट पसंद नहीं आ रहा है, वो अपनी मर्जी से उस जॉब को नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका वेज रेट जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसको हम जब हम नेशनल कह सकते हैं, जब हम पूरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो इस टाइप की वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम काउंट नहीं करते हैं. तो ये तो था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज. टेक केयर. थैंक यू सो मच.